नमस्कार दोस्तों, आज की मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में आप सभी का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर जो पॉइंट्स हैं उनको एक बार पढ़ लीजिए। मेरा कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम चैनल नहीं है और फेक कमेंट से आप कृपया करके सावधान रहिए। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल के मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में चर्चा की थी, वहाँ पर हमारा अंडरग्राउंड मनी फ्लो नेगेटिव था, मार्केट ने उसको आज फॉलो नहीं किया। दोस्तों, मैंने काफ़ी बार ऑब्जर्व किया है कि मार्केट जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो को मंथली एक्सपायरी के नज़दीक जो है फॉलो नहीं करती, तो मार्केट ने वैसा ही किया, लेकिन मार्केट उसको फॉलो नहीं करने वाली, इसका संकेत हमें आज सुबह ही मिल गया था। तो जब मार्केट ओपन हुई, वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गई, तो बेसिकली इंट्राडे मनी फ्लो पॉजिटिव था। तो मैं आपको यहाँ पे अपना ट्रेड भी दिखा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे 22,300 का पी राइट किया और ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं इस पूरे मूव का फ़ायदा नहीं उठा पाया। उसके पीछे कारण है, वो कारण भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जब मार्केट पहुँची 22,110 के नज़दीक, आप इस जोन में देख सकते हैं 9:40 के आसपास, वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि यहाँ से फिर मार्केट को नीचे लेके जाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे फिर एक कैश बाइंग हुई। ये दो कैंडल्स आप देख सकते हैं जिससे मार्केट 22,160 के नज़दीक पहुँच गई और इसके बाद मार्केट इसी लेवल के इर्द गिर्द जो है काफ़ी समय जो है कंसोलिडेट होती रही। तो जो मार्केट का एक सेटअप बन रहा था वो ये सजेस्ट कर रहा था कि एक बार मार्केट ऊपर जाएगी, वहाँ से फिर मार्केट नीचे आएगी, नीचे 22,000 तक जाने की संभावना थी। तो वहाँ पे मैंने इसलिए 22,000 सी राइट किया, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे 3 बजे तक कुछ नहीं हो रहा था, मार्केट वही जो है 22,160 के इर्द गिर्द जो है ट्रेड कर रही थी। तो शायद मैंने जल्दबाजी कर दी, आप जिसको कह लीजिए, मैं इस मूव का फ़ायदा नहीं उठा पाया। तो मार्केट यहाँ पे जो है नीचे की तरफ आई, जो एक संकेत मिल रहा था, तो बेसिकली यहाँ पे मनी फ्लो जो है वो नेगेटिव हो गया था 22,160-170 के नज़दीक। उसका प्रमुख कारण था फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनना, जो कि ईओडी डेटा सजेस्ट कर रहा है। तो ये 22,000 सी वाला ट्रेड मैंने एक नॉमिनल लॉस के ऊपर क्लोज कर दिया और जो अप मूव था वहाँ पे भी मैं पूरे मूव का फ़ायदा नहीं उठा पाया। अगर पूरे मूव का फ़ायदा उठा सकते तो प्रॉफिट जो है 1,00,000 तक हो सकता था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने प्रॉफिट में क्लोज किया है तो आप अपने आप को जो है खुशकिस्मत समझ सकते हैं कि जो 10 में से एक व्यक्ति प्रॉफिट कमा रहा है आप उनमें शामिल है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे डेली जो है प्रॉफिट करना संभव है, बीच में लॉस भी होता है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में दिखाया भी जहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ। और नॉर्मली आज फिर मार्केट ने उसी फिलॉसफी को सही साबित किया कि दूसरा ट्रेड जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लॉस के अंदर ही क्लोज होता है। पहला ट्रेड प्रॉफिट में था तो चुपचाप वहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन जो है वो जिसको कह लीजिए कि एक खुजली होती है दूसरा ट्रेड लेने की और वहाँ पे संभावना हो जाती है लॉस होने की। तो खैर, इस जो जिसको कह लीजिए कि इस बेचैनी को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मार्केट यहाँ से नीचे आई लेकिन उसका जो है लाभ नहीं उठाया जा सका। तो मार्केट के अंदर जो ये कैश बाइंग हुई थी, जैसे कि मैंने बताया 9:50, 9:55 और ये 10 बजे वाली जो कैंडल्स हैं, तो बेसिकली ये कैश बाइंग यहाँ पे FIDII इसके द्वारा की गई थी, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे कैश का मनी फ्लो नेगेटिव था, छोटे प्लेयर्स ही एक्टिव थे। D2C रेशो भी सजेस्ट कर रही है कि कैश मार्केट को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन जब मार्केट के अंदर एक नीचे का मूव आने की संभावना थी, वहाँ पे जो शॉर्ट पोजीशंस बन रही थी वो FIIs की बन रही थी। और इनफैक्ट अगर आप ऑप्शंस के प्रीमियम को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एबनॉर्मेलिटी देखने को मिली ऑप्शंस के प्रीमियम में जब मार्केट कंसॉलिडेट हो रही थी। तो यहाँ पे FIIs ने 18,000 के आसपास शॉर्ट पोजीशंस बनाई, शॉर्ट कवरिंग की तरफ यहाँ पे
नेट जो मनी फ्लो है फ्यूचर्स का, वो शॉर्ट कवरिंग की तरफ इशारा कर रहा है, इसको हम न्यूट्रल संकेत मानते हैं। ऑप्शंस का मनी फ्लो पॉजिटिव है, मुझे ऐसा लगता है कि जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई हैं उसको हैच करने के लिए ऐसा किया गया है। तो जो बड़े एफआईआईज हैं उसमें वेस्टर्न एफआईआईज ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस के अंदर इजाफा किया, ये अब 118,000 हो गई हैं। लॉन्ग पोजीशंस के अंदर कोई बदलाव नहीं है, शॉर्ट पोजीशंस फिलहाल लॉस में हैं, लॉन्ग पोजीशंस भी लॉस में हैं। फ्यूचर्स का डेटा लॉन्ग बिल्डअप की तरफ इशारा कर रहा है, फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अगर हम यहाँ पे कैश का मनी फ्लो देखें, कैश का मनी फ्लो नेगेटिव, ऑप्शंस का पॉजिटिव, फ्यूचर्स का न्यूट्रल विद जिसको कह लीजिए कि पॉजिटिव बायस, तो सरफेस मनी फ्लो अभी हमें यहाँ पे एक न्यूट्रल संकेत दे रहा है। एफआईआईज की अगर हम बात करें, कैश के अंदर बाइंग की गई, ऑप्शंस के अंदर जो है हेजिंग के लिए पोजीशंस बनाई गई, फ्यूचर्स के अंदर शॉर्ट पोजीशंस बनाई गई, तो यहाँ पे एफआईआईज के दो खेमे हैं, एक कैश में एक्टिव है, एक डेरिवेटिव्स में एक्टिव है, खासतौर पर फ्यूचर्स में। कैश वाले को लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगी, फ्यूचर्स वाले को लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो इसलिए एफआईआईज का ओपिनियन इस समय हम एक न्यूट्रल मान सकते हैं। तो दोस्तों जो अंडरग्राउंड मनी फ्लो है वो मैंने इस वीडियो में एक स्क्रीनशॉट की सहायता से शेयर कर दिया है। मैं फिर बताना चाहूँगा कि नॉर्मली अंडरग्राउंड मनी फ्लो मंथली एक्सपायरी के नज़दीक जो है शायद काम नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे जो पोजीशंस क्लोज हो रही होती हैं, कैरी फॉरवर्ड हो रही होती हैं, तो वहाँ पे काफ़ी एक जो है खिचड़ी सी बन जाती है। लेकिन यहाँ पे अभी तक हम देख रहे थे कि अंडरग्राउंड मनी फ्लो अच्छे से काम कर रहा था, तो उम्मीद है कि कल मंथली एक्सपायरी के बाद जो है अगर अंडरग्राउंड मनी फ्लो नहीं फॉलो होता तो अगले हफ्ते से फिर से सब चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। दोस्तों इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। वीडियो मैंने सिर्फ एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया था। यहाँ पे मेरी आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में बाय सेल या होल्ड की पोजीशन बनाएं। किसी भी निवेश या ट्रेड से पहले अपने फाइनेंशियल प्लानर या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें, केवल उन्हीं की सलाह के ऊपर किसी तरह की निवेश या ट्रेड का निर्णय लें। जो भी जानकारी मैंने आज के इस वीडियो में दी है सभी डेटा पॉइंट्स पर आधारित है, सभी डेटा पॉइंट्स पब्लिक डोमेन में अवेलेबल हैं, जिनको आप खुद जाके क्रॉस चेक क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी 100% गलत साबित हो सकती है, इसलिए मेरी दी गई किसी भी जानकारी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी निवेश या ट्रेड का निर्णय ना लें। तो दोस्तों आज का मार्केट सेंटीमेंट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे अगले मार्केट सेंटीमेंट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।